दोस्तों आपके मेरे निहाल कुमार चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस कीपैड मोबाइल में स्पीड डायल नंबर कैसे सेट करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपको अगर स्पीड डायल नंबर सेट कर लेना है तो उसके लिए आपको मोबाइल की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। चलिए मैं आपको कीपैड में बता रहा हूँ कि कीपैड में आप स्पीड डायल नंबर कैसे सेट करें। चलिए बता देते हैं आपको कैसे आपको सेट करना है स्पीड डायल नंबर। चलिए आपको सबसे पहले अपने मेन्यू में चले जाना है। मेन्यू में चले जाने के बाद आपको अपनी सेटिंग, तो दोस्तों मैं स्पीड डायल अपना खोल लेता हूँ। रुकिए, यहाँ मेरी सेटिंग्स पे स्पीड डायल नंबर है। तो चलिए सेटिंग से हम पहुँच जाते हैं और ये देखिए स्पीड डायल हमारा ऑन है पड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट पर नंबर सेट कर लेने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ऐसे ही कंपनी का नंबर एक लगाया हुआ है 3 नंबर पे। तो आपका आपको लगाना है तो ये पट्टी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ से अपना कोई भी आप कॉन्टैक्ट चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये आइडिया वाला ही चूज़ कर लेता हूँ, डन कर दिया। तो देखिए ये मेरा 4 नंबर पे है। चलिए मैं चले जाता हूँ बैक। जब बैक चले जाने के बाद मैं अपने फ़ोन से 4 नंबर डालता हूँ और देखिए वहाँ 4 से मेरी कॉलिंग पहुँच गई। मैंने यहाँ से मतलब ऐसे ऐसे करके कोई भी मैं नंबर जो है डायल नहीं किया, बस मैंने 4 जो है दाबा और मेरी वहाँ कॉलिंग पहुँच गई। तो इस तरह आप भी अपने मोबाइल में कीपैड मोबाइल में स्पीड डायल नंबर सेट करके कर सकते हैं बातें बिना मतलब दावे की। तो इससे आपको आसान भी हो जाएगा, नंबर भी याद रखने की जरूरत है। बस आपको इतना याद रखना है कि आपने कौन सा नंबर किधर सेट किया हुआ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस तब तक के लिए बाय।